वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 36 जो कि है 25 सितंबर की। आज की जो साइंस की वर्कशीट है वो एक तरीके से रीकैप है और एक तरीके से आपके लिए टेस्ट है। आपकी नॉलेज टेस्ट करी जा रही है मैटर एंड नॉन मैटर में आपने अभी तक क्या सीखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वर्कशीट को आप अटेम्प्ट करने के बाद देखें, बिकॉज आप अपने आंसर इसके थ्रू टैली कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको ये वर्कशीट एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके सार बहुत सारे क्वेश्चन थे और टाइम लगा है इस वर्कशीट को बनाने में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इनको अटेम्प्ट करें खुद। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मतलब एमसीक्यू हो गए या फिर इन द ब्लैंक्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं बी पार्ट में, और उसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर लगभग 10। ठीक है ना, ये 10 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर। उसके बाद आपको दिखाई देंगे यहाँ पर लॉन्ग आंसर। तो आप इस वर्कशीट को जो है ना लाइक करके आप वीडियो को रख सकते हैं, बिकॉज ये वर्कशीट और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एग्जाम के टाइम में भी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो प्लीज इन सबको रिवाइज करें। आइए चलते हैं हम अब इनके आंसर्स की तरफ, ताकि आप अपने आंसर्स को टेस्ट कर चेक कर सकें। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे साथ में जल्दी जल्दी। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट जिसका होता है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर, ऐसा जो एलिमेंट है उसे कहते हैं कैल्शियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। थर्ड क्वेश्चन हो गया, नॉन मेटल्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ग्रेफाइट। अरेंज कॉपर सिल्वर उनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में, मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है नेचर वो उसके ऑर्डर में हमें लिखना था। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए हैं, दो तरीके से लिख दिए मैंने ये सिल्वर, और उसके तरीके से भी और उनके सिंबल के तरीके से भी। आपको जैसे तरीका हो आप उसको याद कर लें, बिकॉज कई बार ये सिंबल के तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज। ठीक है, बेसिकली आपको रिएक्टिविटी सीरीज का नाम बताना था कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है, या हम इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। अगला आ जाता है फिल द ब्लैंक्स, अ डैश रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ डैश रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। सॉल्ट की बात कर रहा है, तो लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7, नेम द आयन मेड बाय नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के द्वारा जो है एनायन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, नेम एनी वन। तो मेटल सच मैंने वन बोला है उन्होंने, तो मैंने दो तीन बता दिए ताकि आप अपने आंसर जो है ना मैच कर सकें। कुछ बच्चों का आंसर हो सकता है लेड हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, फिर वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। तो आप अपना आंसर इसमें से आप चेक कर सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ। बेसिकली मेटल की बात करिए तो मैंने एक इसके अंदर से हटा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है मेटल क्रस्ट में। और अगर वो एलिमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे मेटल की बात करी थी तो हमने वहां से ऑक्सीजन को हटा दिया, तो हमने एल्यूमिनियम कैल्शियम गोल्ड इस सीरीज में रखा है। लास्ट हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ई इज दिस 16। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करा जाए, 6 छोड़ दिए जाए या फिर 2 ले लिए जाए। तो स्टेबल करने के लिए क्लोजेस्ट है 2 लेना, तो इट विल गेन। आगे हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर साथ में लिख दिए हैं। तो हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना था, तो ये मैंने आंसर उसके नीचे लिख दिया है। उसी तरीके से इस रिएक्शन को भी कंप्लीट करना था, तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया। बैलेंस करना होता है बेसिकली बैलेंसिंग इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, बट वेन मेटल लाइक मैग्नीशियम ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड एसिड बेसिकली हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड। वाई? तो यहाँ मैंने उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दिया है। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दिस बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में आप अपना आंसर चेक कर लें, अगर नहीं लिखा हो तो आप इसको यहाँ से लिख कर इसको अच्छे से याद भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यू आर गिवन अ हैमर, हैमर हो गया हथौड़ा, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड स्विच।
हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो मेटल एंड नॉन मेटल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हैमर की मदद से हम एक चीज कर सकते हैं कि उसको मार के देखें। अगर वो हैमर कन्वर्ट देम इनटू शीट डक्टाइल है या नहीं है, मेलिएबल है या नहीं है, वो चीज हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। अगर वो चूरा चूरा हो गया तो वो नॉन मेटल हो जाता है। नेक्स्ट है असेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप इसको एक सर्किट की तरह भी बना सकते हैं जिससे पता चल जाए कि कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, देख रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एटमोस्फेरिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स, एटमोस्फेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल बताओ। एटमोस्फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड अल्कलाइज ओके टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सम ऑफ द एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गए। गिव रीजन, यहाँ पे जो है ना रीजन के आंसर मैंने उसी के साथ में लिख दिए हैं, तो सारे आंसर देख लेते हैं। कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। देखो स्टील क्या करेगा, हॉट वाटर के साथ अंदर स्टीम में निकलती है तो वहां पर वो क्या कर सकता है, ऑक्साइड बन सकता है उसका, और जिस वजह से वहां पर करोजन हो सकता है। वेरस कॉपर के साथ वो चीज नहीं होती, यहाँ पर स्टीम जो है फॉर्म हो जाती है वो करोट नहीं करता। किसको, कॉपर को। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। तो ज्वेलरी बनाने के लिए सिर्फ वो बात नहीं है कि गोल्ड, आपने सुना होगा कि गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं तो बनाते ही रहते हैं, ऐसे मन कर रहा है, इसका रीजन और भी है। तो ज्वेलरी आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, वो रिएक्टिव कितने जाता है। इट शुड बी अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव मतलब सबसे कम रिएक्टिव होना चाहिए। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो गोल्ड जो है वो नीचे आता है, तो इस वजह से वो चमक अपनी नहीं खोता बहुत सालों तक। इसीलिए जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और वो प्रेशियस भी इसी वजह से है क्योंकि वो उनके यूजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हैं। ओके, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड इन ऑयल। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एयर में, वाटर में, तो इस वजह से उनको किस में रखा जाता है, ऑयल में। तो यहाँ पर आपका ये गिव रीजन हो जाते हैं खत्म। उसके बाद ये टेबल दे रखा था और हमें उसके अंदर बताना था कि रिएक्शन होगा कैसा होगा, तो मैंने यहाँ पर टेबल पहले ही इसको फिल कर दिया है, तो आप अपना आंसर इसमें से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गिव एग्जाम्पल, बोला है मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल कंडक्ट हीट। ओके, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल। उसके बाद है हमारा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्होंने तो सिर्फ बोला था हीट का, तो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का भी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन आ सकता है। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कौन फाउंड नहीं करता। अभी अभी हमने देखा था फ्री स्टेट का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि फ्री में मिल रहा है, तो फ्री स्टेट का मतलब यहाँ पर है कि हम इसको एयर में रख सकते हैं। कि जैसे आपने पेन अपने आपके हाथ में होगा, या लैपटॉप आपके हाथ में होगा, फोन आपके हाथ में है, तो फोन आपके हाथ में है तो ऐसा नहीं है कि एयर के साथ वो रिएक्ट हो रहा है, आग लग रही है उसको। वेरस कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, सोडियम पोटेशियम, ठीक है ना, ये हमने ऊपर देखे भी थे। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम को ऑयल में रखा जाता है, उनको फ्री स्टेट में नहीं रखा जा सकता, वाटर में नहीं रखा जा सकता, थोड़ा सा भी पानी गिरेगा तो आग लग जाएगी उनके साथ। तो आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में क्या होता है कि आग दिखाते हैं ना, कई बार एक्शन सीन हो रहा होता है, पानी के अंदर आग दिखानी होती है, बम ब्लास्ट दिखाते हैं वो किस तरीके से, वो इन्हीं मेटल्स का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम बहुत जगह यूज होता है, आपके घर में, लंच बॉक्स में, रोटी पैक करने के लिए, उसको गर्म रखने के लिए, तो वो इसी रीजन से ही करा जाता है। इसके तीन रीजन हमने बताए हैं, मेटल इज नॉट अटैक्ट बाय वाटर, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता वो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तो इस वजह से एल्यूमिनियम को बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, और मेलिएबल भी होता है, आप वो भी लिख सकते हैं। व्हेन मेटल एक्स, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर जो है वो यहाँ पे बड़ा डिटेल में लिख दिया है, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। वो आपको एक्स के बारे में गेस करना था कि एक्स वाई जेड क्या है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप आंसर नीचे देख सकते हैं उसका। 10th था ये, एक तरीके से इमेज दे रखी थी, यहाँ पे ये इमेज है और ये हमसे पूछा गया था इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे Na जो है वो दो है और ऑक्सीजन क्या है वो एक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
Na2O। ओके, यहाँ मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा है? Na से आपको समझ में आ गया होगा सोडियम है और नॉन मेटल ऑक्सीजन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कैटायन हो गया, और यहाँ पर एनायन हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na+। तो इस तरीके से आप इसको फिल द ब्लैंक्स भर सकते हैं। लॉन्ग आंसर्स की तरफ चलते हैं, बहुत ही बड़ी वर्कशीट है ये, थोड़ा आराम से इसको करें। लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन दे रखा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ए और बी की मदद से, ए लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, बी गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच का बॉन्ड बताओ बेसिकली। तो आयनिक बॉन्ड हो गया इनके बीच में, और उसके बाद उन्होंने पूछा है फॉर्मूला बता दो Ab2। Ab2 इसलिए क्योंकि जो है ए लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है और बी गेन्स 1, तो वहां पे क्रॉस होता है ना, तो इसी तरीके से Ab2 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, उसने पूछा है बी पार्ट में, बी क्वेश्चन ये रहा, ऑन सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन MgCl2। MgCl2 को आपको एक्सप्लेन करना है, वो हमने यहाँ पे कर दिया है, सेम ही है उसके अंदर, वहां पर आपको MgCl2 दिखाई दे रहा है ना, तो Mg ने लूज करा होगा, सो लूज 2 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं Mg हैज 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल हैज लूज 2, तो ऑपोजिट वाले के पास जाता है वो। नेक्स्ट आ जाता है सी के अंदर, कॉमन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट, वाई? तो कॉमन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन मोल्टन स्टेट बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट हो गए जैसे लिक्विड स्टेज बेसिकली, तो वहां पे वो फ्रीली आयन जो है मूव करते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में आसानी होती है। वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl सो हाई? सो एज द साइज ऑफ NaCl जो है इज स्मॉल, सो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन NaCl इज टू स्ट्रांग, तो छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से बॉन्ड जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इस वजह से NaCl जो है वो बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, टूटते नहीं है इतने आसानी से। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, कोई चीज जो है पिघल रही है, टूट रही है, तो अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में उन्होंने डिफरेंशिएट पूछा था, ये हमने सामने लिख दिया है, डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं, एक्वा रेगा क्या होता है, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं कई बार, तो इसके ऊपर ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है रॉयल वाटर। मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजली 1 पार्ट फॉर्म टू 3 पार्ट ऑफ द लेटर बाय वॉल्यूम, दिस मिक्सचर वॉज गिवन द नेम ऑफ रॉयल वाटर। ओके, तो ये हो गया, और इसके बाद उन्होंने पूछा था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया है। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट में इतना ही है, अगर आपको ये आंसर्स पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।